सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन, जिससे मेरे हर वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले, वो भी बिल्कुल मुफ्त। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेघा एंड यू आर वाचिंग जीनियस मॉमी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ब्यूटी टिप, एक ऐसा ब्यूटी ऑयल जो कि बहुत यूजफुल है रिंकल्स के लिए, स्किन एजिंग, एक्ने स्कार्स, ब्लैक स्पॉट्स एंड स्किन की काफी सारी प्रॉब्लम्स के लिए। अगर आप इसका रेगुलर यूज करेंगे तो ये ऑयल आपके स्किन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप पाएंगे ग्लोइंग, रिंकल फ्री, स्पॉटलेस, रेडिएंट स्किन, वो भी नेचुरली बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। तो आइए जानते हैं इस ऑयल को बनाने का प्रोसेस। ये बहुत ही ईजी है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले मैंने लिया है बादाम का तेल, जिसमें कि होता है विटामिन ए, बी एंड ई। ये हमारी स्किन के एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिससे कि हमारी स्किन पर रिंकल्स नहीं पड़ते। देन सेकंड वन, ये हमारी स्किन में बहुत इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है और हमारे स्किन के कॉम्प्लेक्शन को बहुत इम्प्रूव करता है। ये हमारे आई के डार्क सर्कल्स को भी ठीक करने में बहुत हेल्पफुल होता है, इससे हमारी स्किन बहुत रेडिएंट नज़र आती है। एंड देन सेकेंड वन, कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमारी स्किन को स्पॉटलेस बनाता है। ये हमारी स्किन के कट और स्क्रैचेस को काफ़ी अच्छे से हील कर देता है। ये सनबर्न के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है और इसमें होता है ओमेगा 9 फैटी एसिड, जिससे कि हमारी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारी स्किन पिंक नज़र आती है इसके रेगुलर यूज से। तो ये भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। देन थर्ड वन, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो होता है वो हमारी स्किन को डीप मॉइस्चराइज करता है। ये हमारे ओपन पोर्स की काफ़ी अच्छे से क्लिनजिंग करता है और दोस्तों ये हमारी स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट देता है। तो अभी मैं सबसे पहले ले रही हूँ आलमंड ऑयल, बादाम का तेल आधा टेबल स्पून। अगर आप अपने फेस पे लगा रहे तो आप दो ड्रॉप आप तीनों ऑयल लीजिए, और हैंड्स वगैरह पे या बॉडी पे अप्लाई करना है तो आप थोड़ा ज़्यादा लीजिए अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, बट मैं यहाँ तीनों ऑयल हाफ हाफ टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। और जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है वो कैस्टर ऑयल कम लेंगे, सिर्फ एक ड्रॉप लीजिए आप। आप तीनों ऑयल लेने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और जब हम रात में सोने जाते हैं उस टाइम पे अपने फेस को क्लीन करके आप अच्छे से अप्लाई करेंगे फेस और नेक पर। अभी कोकोनट ऑयल भी लीजिए, तो ये आपकी स्किन को बहुत ही ग्लोइंग बनाएगा और एजिंग प्रोसेस को बहुत स्लो कर देगा। आप अपनी उम्र से बहुत कम नज़र आने लगेंगे दोस्तों, मगर आपको इसका रेगुलर यूज़ करना होगा, और स्पेशली विंटर्स में तो ये बहुत अच्छा है। हमारे स्किन में मॉइस्चराइजर एकदम, हमारी स्किन जो है उसको मॉइस्चराइजर की ज़रूरत ही नहीं रहेगी अगर हम इसे रात में अप्लाई करते हैं तो। अभी देखिए, आप जहाँ भी अप्लाई कर रहे हो उस पोर्शन को क्लीन कर लीजिए। मैं अपने हैंड पे आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, अपने हाथ की उंगलियों की मदद से इसे सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए 5 मिनट के लिए। ये हमारे स्किन में बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।